आराधना म्यूजिकल ग्रुप की सबसे खास बात ये है कि ये वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो बहुत कम लोगों ने सोचा और किया, जैसे कि सिर्फ मुकेश पे एक डेडिकेटेड नाइट करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि मुकेश एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने सबसे कम सॉन्ग्स गाए बट उनके सॉन्ग्स की जो तारीफ है, उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो एक बिल्कुल डेडिकेटेड एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है। और आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही ये फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है और ये हमारे को गारंटी है कि जितने यहाँ पे कैपेसिटी है उसकी डबल या ट्रिपल होने वाली है और ये प्रोग्राम लाइव भी जा रहा है। आराधना म्यूजिकल ग्रुप यही थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ता जा रहा है एंड आई एम वेरी वेरी श्योर आज की जो श्रद्धांजलि है जो हम मुकेश माथुर साहब को दे रहे हैं, मेरे फादर मुकेश के आर्डेंट फैन हुआ करते थे और किसी टाइम पे मुकेश माथुर साहब और उनकी फैमिली हमारे घर में कभी दिल्ली में रेंट पे दिया करते थे, तो ये तब से एक बहुत पुराना एसोसिएशन है। तो मेरे ख्याल से 50-60 साल की हमारी फैमिली का एक कमिटमेंट था जो आराधना ग्रुप के साथ साथ हम लोग कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज आराधना म्यूजिकल ग्रुप स्वर्गीय मुकेश जी की याद में एक आलीशान प्रोग्राम लेके आया है जिसमें लगभग 180 लोगों ने ऑडिशन दिया था। ओपन माइक था, किसी के लिए कोई चार्जेज नहीं था, निःशुल्क था। उनमें से हमने 40 सिंगर्स को छांटा और कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट भी हैं इसमें। ऐसे करके 60 सिंगर्स का हमने कॉम्बो बनाया है जिनको लगातार 2 महीने तक हमने रिहर्सल कराई है और लाइव बैंड भी रिहर्सल कराई है और आज वो सब आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं। बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार के लिए प्रोग्राम हमने समर्पित किया है जो महानतम पार्श्व गायकों में से एक हैं जिनका नाम है मुकेश शर्मा। आराधना म्यूजिकल ग्रुप पिछले 1.5 साल से जयपुर में कार्यक्रम करता आ रहा है। इससे पहले हमने 3 म्यूजिकल शो करे हैं, आज हमारा 4th म्यूजिकल शो है, कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। और बस आप सभी का प्यार आशीर्वाद हम पर यूँ बना रहे और हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। जिनकी आवाज़ अमर है, वो आवाज़ ही सब जगह पहचान में कोई भी पहचान जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटी वॉइस है उनकी और जैसा कि अभी मैंने सबको तैयार करवाया, मुकेश जी के गाने सुनने में बहुत ईजी लगते हैं लेकिन जो पकड़ है उनकी वो सबसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। मैं खुश नसीब हूँ आराधना म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से मैं सबको तैयार करवा पाया।